जिस देश की ताकत मेरी फौज हो, वह बॉर्डर की रक्षा सुरक्षा बिल्कुल मजबूती होगी। उन फौजियों को सलूट जो देश की रक्षा में दिन रात एक करते हुए अपनी योगदान भारत माता जगत जननी की रक्षा के लिए तैनात है। आपको सलूट सर। जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। जब फील्ड में निकलते हैं तभी पता लगता है सच्चाई की क्या राज है। वहीं पर फील्ड में निकला हूं और रिपोर्टिंग, ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया में लोग कितने तरह तरह के दुखी मिलेंगे और या अपने दुख दर्द बताएंगे, और जब मीडिया सामने आए तो दुख दर्द जरूर जो है बयां करते हैं। इनका लड़का बीमार है और किराए पर रहते हैं, बहुत ही हालत खराब है, बहुत ही परेशान हालत में है। खुद एक रिपोर्टिंग आप देख सकते हैं। जी, क्या नाम है आपका? चंदन कुमार। कहाँ रहती हो? जी, क्या समस्या है? लड़का को जो है दिखाई नहीं देता है। जी जी जी। आधार कार्ड बनवाने गए, वो नहीं बने हैं। अच्छा, किराया बढ़ाते हैं। कहाँ है जो है कटे हैं उसको भी कुछ नहीं बन रहा। तो आपने दवा नहीं करवाई इस बच्चे का, बालक का? नहीं, वो आशा नहीं बिगड़ पा रहे, नहीं कुछ पा रहे, नहीं सुनवाई ले रहे। कहाँ कहाँ आपने दौड़ा, कौन कौन से हॉस्पिटल में? गुरु नानक हॉस्पिटल गए, दिल्ली जी जी, इधर और कौन सा हॉस्पिटल? एम्स वगैरह। एम्स में बोल रहे हैं, देखा वहाँ। आपके पति जी क्या करते हैं? अच्छा, तो उसे अच्छा रोजी रोटी चल जाता है? झाड़ू पोछा। आप भी कोई काम वाम करती हो? बिल्कुल नहीं करती। जी जी, तो बच्चे का जो है कहीं इलाज बढ़िया चल रहा है? नहीं, अभी नहीं चल रहा है। नहीं, मेरा भी तबीयत खराब है, मेरा बच्चा खराब हो गया, बच्चा मेरा भी रखवा रहे हैं, तबीयत खराब है। तो बड़ी समस्या है फिर। किराया बढ़ाते हैं। जी जी, और बिजली बिल अलग से कटवाते हैं, किराया बढ़ाते हैं। कितने कितने साल से रह रही हो? चार पाँच साल। तो दिल्ली में क्या लेकर आप आई थी, क्या उम्मीद के साथ आई हो? कहाँ कहाँ पड़ता है गांव? कहाँ पड़ता है? मेरा गांव सहरसा जिला। अच्छा, बिहार से? जी जी, तो आप सहरसा जिला से यहाँ आकर, आपका पहचान पत्र वगैरह बना है? पहचान पत्र बन गया है, आधार कार्ड। आधार कार्ड नहीं बना है, तो बहुत समस्या है फिर आपको। तो किराया देते देते हालत ख़राब हो जाता है, क्योंकि लॉकडाउन में इस समय समस्या है, पैसा नहीं है। मेरा नहीं जगह है, नहीं घर है, नहीं दुकान है, वैसे कमाते हैं, वैसे खाते हैं। जी जी, गांव में तो भी बाढ़ आई हुई है। हाँ, गांव से बाहर आए हैं। तो समस्या चल रहा है। तो सरकार से क्या मांग करती हो आप? सरकार से मांग ये करते हैं, हमको बच्चे ठीक ठाक रहे, हमको जगह मिल जाए, स्थान मिल जाए रहने के लिए, और कुछ। जी जी, नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।